जाने पर युवक इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी प्रेमिका पर चाकू से ही हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने ऊपर भी खुद ही चाकू से हमला कर लिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई की बेहटी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक द्वारा फोन पर बात न करने के चलते अपनी प्रेमिका को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। युवक ने खुद पर भी हमला किया और वह भी गंभीर रूप से चोटिल हो गया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि प्रेमिका का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मामला शहर कोतवाली के बेहटी गांव का है, जहां पर एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को चाकू मारकर घायल कर दिया और बाद में खुद भी हमला कर लिया, जिसमें प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि प्रेमिका का भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल युवक, जिसका नाम राजीव है, वो अपनी प्रेमिका पर फोन से बात करने का दबाव बना रहा था। वहीं प्रेमिका, जिसका नाम मोनिका है, उसकी शादी तय हो गई थी, जिसके चलते उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर राजीव द्वारा पहले अपनी प्रेमिका के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए चाकू से घायल कर दिया, फिर खुद भी चाकू मार लिया, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर राजीव की मौत हो गई, जबकि मोनिका का इलाज अभी चल रहा है, जिसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गांव भेटी है, जो थाना कोतवाली शहर में पड़ता है। यहाँ आज कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि एक लड़की और एक लड़का जो गंभीर रूप से घायल हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। ये जब सूचना मिली है तो उनको उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है, जिसमें पता चला है कि जो लड़का है उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो लड़की है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको अग्रिम उपचार के लिए लखनऊ रेफ़र कराया गया है। ये दोनों पड़ोसी हैं, आमने सामने इनका घर है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि जो लड़का है और जो लड़की हैं, चूँकि आसपास रहते हैं, लोगों में बातचीत होती है। लड़का जो है वो शादीशुदा है। अभी किसी बात को लेके इनको आपस में, यहाँ इसने चाकू से, लड़के ने पहले लड़की को मारा है और फिर खुद अपने आप चाकू से खुद को मारा है, जिससे कि उन इंजरी से लड़के की डेथ हो गई है। अभी तक इतनी जानकारी बात मिली है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन, मुकदमा दर्ज करके कराई जा रही है। जो फैक्ट्स आगे आएंगे वो आपको बताया जाएगा। सर, क्या मोटिव क्या था? मोटिव जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो लड़का, लड़के ने पहले लड़की को चाकू से मारा है और फिर अपने आप को चाकू से मारा है, तो अभी प्रथम दृष्टया जो जांच करने पता चला है कि लोगों की बातचीत होती थी। लड़की की चूँकि शादी होने वाली थी, सगाई होने वाली थी मंडे को, लड़के की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को साथ में रख नहीं रहा था, उसका वहाँ केस चल रहा था। लड़का लड़की आपस में बातचीत में थे, जो यहाँ आसपास के लोगों ने बताया, लेकिन अभी और डिटेल जब क्लियर होंगी तो आपको बताया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.